हेलो एवरीवन दिस इज़ उखरफ फ्रॉम इन्फो थ्री डॉट कॉम आज का हमारा टॉपिक है डी मैक लास्ट हमने डिस्कस किया था कि सिक्स सिग्मा की दो मैथडोलॉजीज़ हैं डी मैक और डी एम ए डी वी हमने ये भी डिस्कस किया था कि डी मैक की सिग्निफिकेंस ज़्यादा है ये इस्तेमाल भी ज़्यादा होती है आ, ये भी आपके साथ शेयर किया था कि डी तब इस्तेमाल होती है जब आपने किसी मौजूदा यानी एग्जिस्टिंग प्रोसेस में कोई ना कोई इंप्रूवमेंट करना हो अक्सर ऐसा होता है कि आपका कोई प्रोसेस जो कि ऑलरेडी इंप्लीमेंट हुआ हुआ कुछ टाइम के बाद उसमें कुछ मसले मसाइल आते हैं लेकिन आपको नहीं पता लग रहा होता कि इसमें क्या मसला आ रहा है जिसकी वजह से इसकी शिकायत ज़्यादा आ रही हैं या ये वो डिज़ायर्ड रिजल्ट्स नहीं प्रोड्यूस कर पा रहा जिसको प्रोड्यूस करने चाहिए तो हाई लेवल इसको डिस्कस करेंगे बाकी कंप्लीट डिटेल्स इसके रिलिवेंट जब इसके फेज आएंगे तो उसमें डिस्कस करेंगे फर्स्ट जी डी ऑफ डी मैक जो कि डिफाइन डिफाइन को रिप्रेजेंट करता है, तो में हम बताते हैं कि किस प्रोसेस में क्या मसला आ रहा है, है? क्यों आ रहा है यह भी हमें नहीं पता ठीक है नेक्स्ट हमारे पास है मैयर मैयर uh, में एग्जिस्टिंग प्रोसेस की परफॉर्मेंस को नंबर्स में देखा जाता है कि मसले को बेहतर तरीके से जाना जा सके ठीक है एनालाइज uh, uh, मसले की वजूहत रीजंस कॉजिस uh, का पता लगाया जाता है इसमें ठीक है uh, कि कौन से एक्सेस या कौन से स्टेप्स हैं uh, जो कि मसला कर रहे हैं इसके बाद हमारे पास है इम्प्रूव uh, इस फेज़ में uh, हम मसले को फिक्स करते हैं। इस stage में हमें मसले का क्योंकि पता लग चुका है एनालाइज फेज़ में तो इम्प्रूव फेज़ में हम उस मसले को फिक्स करते हैं और लास्ट फेज़ में जो मसला हमने फ़िक्स कर लिया अब इंशोर करना है कि वो सस्टेन भी रहे वो मसला दोबारा ना पेश आए तो कंट्रोल फेज में कुछ ऐसे स्टेप्स लिए जाते हैं कि फिर वो मसला दोबारा ना आए रिया करना हो ठीक हो गया इसको ज़रा एक बार हम एग्जांपल की फॉर्म में देखते हैं पहले ज़रा लेम टर्म्स में एक्सप्लेन करता हूँ फ़र्ज करें कोई इंसान है वो ओवर है ठीक है तो ये एक मसला हो गया कि एक इंसान है आ, ए लिख देते हैं उसका नाम के इंसान ए है जो कि ओवरवेट है आ, तो ये मसला आ गया अब मैयर में क्या करेंगे कि कितना ओवरवेट है ये हमने देखना है तो एक स्केल के ज़रिए जो वे स्केल होता है उसमें देखेंगे कि वो कितना ओवरवेट वेट है और उसकी हाइट के हिसाब से उसका क्या वेट होना चाहिए फॉरस एग्जांपल के तौर पे वो 120 केजी उसका वज़न आ रहा है जो कि ज़्यादा है उसको अपनी हाइट और एज के लिहाज से 75 या एटी के के बीच में होना चाहिए ठीक है तो हमने मैयर भी कर लिया एनालाइज में हम देखते हैं कि वो क्यों ओवरवेट है ठीक है तो एनालाइज फेज़ में हमें ये पता लगा कि जी वो ओवरवेट इसलिए है कि जब कुछ प्रोबिंग की गई उसकी ओवरऑल रूटीन को देखा गया तो वो फास्ट फूड ज़्यादा खाता है वो फिजी ड्रिंक्स कोक ज़्यादा पीता है और एक्सरसाइज तो है ही नहीं रूटीन में ठीक है तो हम ये एनालाइज फ़ेज़ में हमें ये पता लग गया इम्प्रूव फ़ेज़ में क्या करते हैं जो मसले मसाए हमें पता लगे फास्ट फूड के फिजिट ड्रिंक्स के एक्सरसाइज के उनको इंश्योर किया गया कि फ़िक्स किया जाए ठीक है फ़ास्ट फूड को फिजिट ड्रिंक्स को आ, अच्छे फूड से रिप्लेस किया गया जिसमें सब्जियां ऐड की गई ठीक है प्रोटीनस वगैरह जिसमें जिस फूड में ज़्यादा हो उसकी डाइट जो है वो इंश्योर की गई एक्सरसाइज एक रूटीन का हिस्सा बनाया गया ठीक है तो इम्प्रूव फेज़ में उस इंसान की जो जिसका नाम ए है उसमें यह किया गया और कंट्रोल फेस में ये किया गया कि ये इंश्योर किया गया कि वो इंसान ऐसा ना हो कि अब वापस फ़र्ज करें उसका वेट आ गया 80 केजी पे 120 से है तो वो जो रूटीन सेट की थी वो दोबारा ही जो है छोड़कर वो वापस उस रूटीन में ना आ जाए जिसकी वजह से वो ओवर वेट हुआ था तो कंट्रोल फेज़ में सस्टेन किया जाता है उस रूटीन को उन प्रैक्टिसेस को जो कि अपनाई गई थी उस मसले को हल करने के लिए उसको सस्टेन यानी बरकरार रखा जाता है अच्छा इसकी एक और एग्ज़ाम्पल अगर मैं थोड़ा प्रोफेशनल साइड पर इसकी देखूँ किसी इंडस्ट्री के साथ तो फ़र्ज करें कोई प्रोडक्ट है उसकी कंप्लेंट्स आ रही हैं ठीक है शिकायत आ रही हैं उसकी तो आप डिफाइन में बताते हैं कि जी एक प्रोडक्ट है ए या बी उसमें मसले आ रहे हैं उसकी शिकायत काफ़ी आ रही हैं ठीक है मैर में क्या करेंगे कि हम डाटा गैदर करेंगे उस शिकायत का उस प्रोडक्ट के अगेंस्ट के किस टाइप की शिकायत आ रही हैं और कितनी आ रही हैं उसका काउंट कितना है ठीक है डे वाइज हो गया वीक वाइज़ हो गया तो डाटा भी गैदर हो गया अब इस फेज़ में एनालाइज़ फेज़ में हमने एनालाइज़ करना है ठीक है पता लगाना है कि इस प्रोडक्ट की कंप्लेंट्स ज़्यादा होने की रीज़न क्या है तो फ़र्ज़ करें पता लगता है कि जी इसमें एक्टिवेशन का मसला आता है कस्टमर्स इस प्रोडक्ट को एक्टिवेट नहीं कर पाते कोई पैकेज है फ़र्ज करें डाटा का वो एक्टिव नहीं हो रहा और एनालाइज जो हमने डाटा लिया था उसमें पता लगा मैय फेज़ में कि आ, कोई एक स्पेसिफ़िक आर है रात का 10 से 11 का जिसमें अब वो पैकेज जो है वो बिल्कुल ही नहीं लगता ठीक है और ये भी पता लगाया क्या कि वो लगाने ना लगने की वजह यह है कि उस टाइम में सर्वर पर लोड काफ़ी हो जाता है एक वक्त में काफ़ी एक्टिवेशंस की रिक्वेस्ट आ रही होती हैं तो आ, मसला हमें आइडेंटिफाई भी हो गया कि क्या अब इम्प्रूव फेज़ में क्या करेंगे कि उस सर्वर की कैपेसिटी जो है वो बढ़ाई जाएगी बढ़ाने पर ये होगा कि एक टाइम में अगर कनकरंट ज़्यादा रिक्वेस्ट आती हैं तो वो आपका सर्वर जो है वो हैंडल कर पाएगा तो इम्प्रूवमेंट भी कर ली गई और लास्ट में ये इंश्योर करना है कि वो जो मसला जिस जो हमने फ़िक्स किया है वो सस्टेंड जो है रहे उसका रिजल्ट जो हमने फिक्स किया उसको ठीक है वो बरकरार रहे आगे भी ये मसला दोबारा रिए करना और दोबारा पेश ना है तो ये दो एग्जांपल्स थी ये ओवरऑल डी की मेथडोलॉजी की हाई लेवल अंडरस्टैंडिंग थी उम्मीद है आपको ये वीडियो पसंद आई होगी इनशाला आपके साथ नेक्स्ट वीडियो मुलाकात होगी थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो